वेलकम टू टेली तड़का रात सर। अरे बहुत बढ़िया फीलिंग, क्या मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी जब तक इन्होंने बुलाया नहीं मुझे। मैं सौरभ तिवारी को बार बार फोन करता था कि भाई मुझे बुलाओ, मेरी आत्मा तड़प रही है, बलराज चौधरी बेचारा तड़प रहा है, मोतिहारी में है, उसे बुलाओ, मुंबई बुलाओ, जरा कहानी में ट्विस्ट लेके आओ। तो उन्होंने मान लिया हमारी बात, तो हम आ गए हैं आपकी सेवा में, हमारे दर्शकों की सेवा में, मज़ा करने और हंगामा करने और कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बिगाड़ने और कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बसाने। मेरा सफ़र इतना बढ़िया रहा है कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है उसको ये जो थिएटर, ये जो दुनिया है, उसके अंदर उसको दखल होने का, उसको एंटर होने का उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक मैजिक किंगडम है। एक दफ़ा कोई गया इसके अंदर तो उससे बाहर नहीं आ सकता। ये तिलिस्मी दुनिया है और ये तिलिस्मी दुनिया का आनंद हमने बचपन से उठाया। हमारी कुछ रेखाएँ अच्छी रहीं, देवी ने हम पर कृपा की और बचपन से 5-6 साल की उम्र से मैं स्टेज पर हूँ और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने ये बख्शा, ये दान दिया और बड़ी आनंदमय ज़िंदगी। पर्सनली मुझे फिल्म्स पसंद है, उसमें कोई शक शुबा है ही नहीं, हमें फिल्म्स पसंद है। और टेलीविज़न में बहुत साल से मैंने काम नहीं किया था और मेरे कई सारे दोस्त कर रहे थे और रोल्स अच्छे अच्छे टेलीविज़न पर कुछ आते हैं, जैसे बलराज चौधरी 90-92 फिल्में हो गई, लेकिन बलराज चौधरी जैसा मॉन्स्टर वो किसी फिल्म में नहीं आया। इसके बच्चे प्यादे कई सारे आए लेकिन बलराज चौधरी नहीं आए। अब जब आए हमारे पास, इन्होंने बोला कि बलराज चौधरी, और सुनाया थोड़ा सा, तो बस मेरे पेट में जो है एक यूं हो रही थी कि भाई ये तो मैं ही करूँगा और किसी को मैं करने ही नहीं दूँगा। आई लव इट, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है बलराज चौधरी और मेरे मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं अपने अंदर भी बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये कब आ गया। इसमें मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, सोच विचार नहीं है, सब अपने आप ही आ रहा है। जितना भी बलराज चौधरी का जितना भी पागलपन है वो सोच विचार से नहीं आता है, वो मैं सेट पे जाता हूँ, सीन पढ़ता हूँ, सीन में ऐड करता हूँ कुछ इंग्लिश पिंग्लिश कुछ ये वो, और फिर जब अपने आप को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वो फिर ऐसा ही होना चाहिए और फिर वो ऐसा ही कर देता हूँ। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऊपर से कोई करवा रहा है। बलराज चौधरी जी हाँ, हमेशा एक्टर्स इम्प्रोवाइज करते हैं तो वो चीज़ उनकी अपनी हो जाती है और जब ऑडियंस देखती है कोई भी चीज़ जिसमें उनको लगता है ये एक्टर ने अपना ली है तो वो उससे ज़्यादा जुड़े जाते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड थिएटर में रहा है जहाँ पे हम सीखते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन विद इन कॉन्टेक्स्ट जिसको कहा जाता है वो किया जाता है और हमें उसका बड़ा आनंद आता है। और यहाँ पर टीवी में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ों का, बाकी एक्टर्स भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और वो हम लोग के लिए अच्छा है। इम्प्रोवाइजेशन हमको अलर्ट रखता है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये कि एक्टर कम्प्लीटली सीन में है और वो सीन के अंदर कुछ नया लेके आता है अपनी तरफ से और फिर सबके सामने करता है। सबको अगर पसंद आता है तो हम उसे रख लेते हैं, अगर नहीं पसंद आता है तो हम उसे चेंज करते हैं। मधुबाला में बहुत दिनों से हलचली हलबली रियल टाइप की वही नहीं है, अब होगी गाँव खेड़े की हलबली, आप देखिए अब क्या होता है। अरे आई वुड लव टू नो, आप बताइए, दिस इज़ न्यूज़ टू मी। अगर डांस है तो फिर बस तैयार कर लेंगे हम अपने आप को, आज मालिश वालिश करवा के कल के लिए रेड। कब है शूटिंग बताइए, आप बताइए, आप कुछ बलराज चौधरी का बताते हैं कि अभी क्या शूटिंग है। बस बलराज चौधरी को ज़्यादा डिटेल नहीं देते कि सर अगले इतने दिन ना बोलते हैं, सर अभी शूटिंग ये है बस। वो क्या मूड आप नहीं होना चाहिए बलराज चौधरी, तो अगर गाना वाना है तो बस हम तैयार हैं, आप बताइए, कपड़ा वपड़ा बनवाइए हमारे लिए, हम आ जाते हैं एकदम, बताइए आप। आपको जैसे पता चलेगा, दर्शकों को जैसे पता चलेगा, जरा मुझे खत भेज देना, मोबाइल में मेरा बैलेंस बॉम्बे में आके ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ। सीन में भी है वो, हमारा बैलेंस ख़त्म हो गया तो क्या करें, हमारा बलराज चौधरी का तो वैसे ही बैलेंस हिला हुआ है बैलेंस ख़त्म हो गया तो और भी अच्छी बात है। चलिए, ऑलराइट, प्लेजर टॉकिंग टू यू सर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। एब्सोल्युटली एंजॉय, थैंक यू सर।